चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूनिकोड। ठीक है, अब यूनिकोड पे जब हम बात करते हैं तो आप एक बात ध्यान में रखें कि यूनिकोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये जितने भी यूनिकोड बना के रखे हुए हैं उस हर कैरेक्टर का एक अलग यूनिकोड है। वो अपनी ही जो उसका नाम है उससे ही जाहिर है कि यूनिकोड। तो एक यूनिक कोड एक एक कैरेक्टर को दिया हुआ है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे unicode.org और /charts लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी वर्ल्ड में स्क्रिप्ट्स बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं उनके यूनिकोड चार्ट्स यहाँ पड़े हैं। ठीक है, हमारा जो चार्ट यूज़ होता है वो होता है अरबिक, मिडल ईस्टर्न स्क्रिप्ट्स यहाँ पे। और हम इसके अंदर जितने भी हमारे चार्ट्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके unicode.org/charts पे जाके अगर आप इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये चार्ट PDF में खुल जाएगा। ठीक है, और आप इस चार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं और वो हमारी लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने पास ये डाउनलोड करके रखे हैं ये जितने भी चार्ट्स हैं। ये देखें, ये अरबिक है, सप्लीमेंट एक्सटेंडेड ए, एक्सटेंडेड बी, सी, प्रेजेंटेशन फॉर्म ए और बी। ठीक है, ये जितने भी चार्ट्स हैं ये मैंने अपने पास यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हैं। ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर में खुल गए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये जितने भी चार्ट्स हैं ये मैंने अपने कंप्यूटर में रखे हैं। ठीक है जी, तो एक चीज़ इसमें आपको और ये बतानी थी कि जब आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर कैरेक्टर के नीचे एक कोड लिखा है। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिकोड। ठीक है, ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये एक कोड है, इसको कहते हैं यूनिकोड। ये है 0627 यूज फॉर अलिफ। ठीक है, अब अलिफ के लिए 0627 ही यूज होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बता दूँ कि ये जो चार्ट है ये अरबिक का चार्ट है, ये जनरल चार्ट है। ये अरबिक लैंग्वेज के लिए बेसिकली यूनिकोड ने प्रेजेंटेशन फॉर्म बी बनाया था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन फॉर्म बी है उसके अंदर भी एक अलिफ है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे अलिफ मद्दा यहाँ पर है, तो इसका कोड है FE81। और अगर आप अरबिक के कैरेक्टर पे जाएंगे तो यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है जिसका कैरेक्टर है 0622। तो जब हम फॉन्ट बनाते हैं तो इनको मल्टी मैप करते हैं। मल्टी मैप कैसे करते हैं, ये हमारे इधर ऑलरेडी हमारे सिस्टम में मौजूद है। जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे, जब हम कैरेक्टर्स डालेंगे अपने फॉन्ट में, तो हम बात करेंगे मल्टी मैपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो मैं सिर्फ और यहाँ पे आपको यूनिकोड बताने की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये यूनिकोड कहला कैरेक्टर्स के ऊपर हर कैरेक्टर का एक यूनिकोड होता है। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सिंबल्स हैं, आइकॉन्स हैं और जितने भी हमारे मार्क्स हैं उन सब का एक यूनिकोड है। ठीक है, तो हम ये यूनिकोड यूज़ करते हैं।